नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त। मुंबई में एक्ट्रेस तनिषा शर्मा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इस सुसाइड ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतनी छोटी उम्र में ऐसा क्या हो गया जिसने उसे मौत चुनने पर मजबूर कर दिया। पुलिस इस मामले में शीजान खान से पूछताछ कर रही है और मामले में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पता यह भी जा रहा है कि शीजान खान पुलिस अधिकारी के सामने रोने लगा। आखिर वो ब्रेकअप की अलग अलग कहानियां क्यों सुना रहा है? सूत्रों से मिली जानकारी ये भी बता रही है कि पूछताछ में पुलिस अधिकारी ने जब उससे सवाल करने शुरू किए तो शीजान अचानक रोने लगा। ब्रेकअप के पीछे वो अलग अलग कहानियां बताने लगा। तो सवाल है, क्या शीजान पुलिस को गुमराह कर रहा है? बताएंगे आपको आगे, पहले माजरा समझिए। दरअसल 24 दिसंबर को दास्तान ने काबुल के सेट पर मेकअप रूम में अभिनेत्री तनिषा शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद तनिषा की मां ने शीजान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शीजान को धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया हुआ है। शीजान को 25 दिसंबर को वसई कोर्ट में पेश किया गया था और 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि सीनियर पुलिस अधिकारी ने तनिषा मामले में बताया कि पूछताछ में शीजान ने कहा कि श्रद्धा और आफताब केस के बाद उसके अंदर डर बैठ गया था, इसीलिए उसने समय रहते उम्र और धर्म का हवाला देकर ब्रेकअप कर लिया। अधिकारी ने यह भी बताया कि शीजान के बयान को उसके बाकी लोगों से वेरीफाई किया जाएगा, साथ ही व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी देखकर इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस से जानने की कोशिश कर रही है कि क्या श्रद्धा और आफताब केस के चलते ही शीजान ने ब्रेकअप किया था या फिर शीजान जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सीक्रेट गर्लफ्रेंड से जांच भटकाने के लिए शीजान तरह तरह की कहानियां सुना रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या आफताब की तरह ही झूठ बोल रहा है शीजान? क्या वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब तनिषा से उसकी व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के बाद सामने आएंगे। आज तनिषा का अंतिम संस्कार भी होगा। तनिषा के जाने का गम न सिर्फ उसके परिवार को है बल्कि उसके करोड़ों चाहने वालों को भी लगा। अब शीजान से पूछताछ के बाद ही कहानी के असली किरदार का खुलासा होगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। We'll be right back.